एजाज ने मार ली है पलटी। एजाज का भी कसूर नहीं है, गेम है, एजाज गेम खेल रहे हैं। पहले एजाज ने एक टास्क में कहा था कि यस रुबीना कहीं ना कहीं विनर होनी चाहिए अगर रुबीना फाइनल फिनाले तक पहुंचती है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्होंने जो शो को दिया है और किसी ने नहीं दिया है, या फिर उन्होंने ये कहा था कि वो रियल रही हैं और वो डिज़र्व करती है विनर बनना। लेकिन हमें हाल ही में देखा कि वो बिल्कुल पलट गए। जब चैलेंजर्स घर में आए, उनकी मनु पंजाबी के साथ बनने लगी, तो उन्होंने एकदम से पलटी खा दी। अब वो कह रहे हैं कि रुबीना को रविनव को तो शो में होना ही नहीं चाहिए था, अभी तक तो उन्हें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, और अभी तक ये घर में है भी क्यों मुझे वो भी नहीं पता। तो कुछ ऐसी बातें कहते हुए नजर आए, यानी कि जहाँ पर वो विनर देख रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ये तो घर में होने नहीं चाहिए थे। अब इसकी दो तीन बातें हो सकती है। हो सकता है वो अभिनव और रुबीना के अगेंस्ट सबको कर रहे हो, कहीं ना कहीं एजाज को भी समझ आ गया हो कि रुबीना स्ट्रांग होती जा रही है, और अगर मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलाऊंगा तो रुबीना के खिलाफ सभी का पूरा घर हो जाएगा। तो हो सकता है ये भी चांस हो, या फिर हो सकता है कि वो जेन्युइनली उन्होंने एक बड़ा फ्लिप मार दिया हो कि अब वो रुबीना को पहले विनर देख रहे थे, अब वो ये भी डिज़र्व नहीं करती रुबीना कि वो घर के अंदर रहे। तो आज कहीं ना कहीं घर के अंदर इन दोनों की फाइट भी देखने को मिली, जहाँ पे रुबीना भी सही थी। रुबीना कह रही थी कि भाई जब आपने मुझे पहले ही कह दिया कि आप और मनु दोनों ही खेलोगे, उन्हीं में से कैप्टन बनेगा, मनु ने साफ साफ कह दिया, तो मैं क्या एक्टिंग करूँ आपके सामने आके गिड़गिड़ाने की। एजाज कह रहे हैं चलिए आप एक्टिंग कर लेते, क्या पता मान जाते। तो रुबीना कहती है ऐसा कैसा, आप में दिमाग नहीं है क्या, ऐसे कैसे आप मान जाते हैं, अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई हम दोनों के अलावा कोई बनेगा ही नहीं, अब आप कह रहे हैं कि भाई क्या पता हम मान जाते। वेल आपको क्या कहना एजाज खान ने जो पलटी मारी उसके बारे में, और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।